ज्ञान दशरथ में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर था वो नीला क्यों था। देखिए, एक तो मान्यता है कि वो भगवान विष्णु के अवतार थे, तो एक लॉजिक है, पर कहीं कहीं लिखा हुआ है कि उनका शरीर जो था वो गोरा था, श्याम वर्ण बाद में हुआ। भगवान श्री कृष्ण को तस्वीरों और मूर्तियों में हमने कई बार देखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका रंग कहीं कहीं नीला क्यों है, कहीं कहीं उन्हें गोरा भी दिखाया गया। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तब उनके शरीर का रंग सामान्य मनुष्य की तरह ही था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, क्यों उन्हें श्याम पुकारा जाता है? तो दो पौराणिक कथाएं हैं जो थोड़ी सी लॉजिकल भी लगती है। जब श्री कृष्ण बचपन में अपने ग्वाल सखाओं के साथ नदी किनारे खेल रहे थे, तभी गेंद नदी में जा गिरी थी। गेंद निकालने के लिए कान्हा नदी में उतर गए, वहां उनकी भिड़ंत कालिया नाग से हो गई। कहा जाता है कि कालिया नाग के विष के प्रभाव से उनके शरीर का रंग श्याम हो गया था। एक दूसरा लॉजिक भी है, श्री कृष्ण ने बचपन में पुतना का स्तनपान किया था। पुतना राक्षसी थी जिसको कंस ने कृष्ण को मारने के लिए भेजा था, लेकिन कृष्ण ने पुतना का वध कर दिया। लेकिन स्तनपान करने से जो जहर था उनके शरीर का रंग श्याम वर्ण का हो गया। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।